बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉच टू लीड। योर टीचर शबाना मलिक इज़ हियर विद एक्सरसाइज ऑफ द सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, योर रोमांटिक पोएट। उसकी थोड़ी सी बायोग्राफिकल नोट्स देखेंगे बेटे, और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि MCQs में उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। फिर कुछ ये टर्म्स हैं आपके लिए डिफाइन करूँगी, इनको समझना ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज में शामिल होंगे और वो MCQs में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। राइम है, मीटर है और फुट की टर्म है, और देन सेलेबल क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं कि एक वर्ड के अंदर कितने सेलेबल्स मौजूद हैं। देन कुछ टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। बेटे ये बुक में शामिल नहीं है, जो बुक में फिगर्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं ना, ये उनमें नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में है, तो इसलिए आपका इनको समझना ज़रूरी है। कौन कौन सी हैं, पैराडॉक्स है, एंटीक्लाइमेक्स है एंड एंटीथेसिस है। ऑलराइट, तो पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटे, फर्स्ट वन स्टेटमेंट, राइट, करेक्ट एंड इनकरेक्ट आपने टिक करना है और क्रॉस करना है। ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज टू लाइंस व्हिच राइम एट द एंड आर कॉल्ड अ कपलेट। शायरी की दो लाइनें हैं जो आपस में राइम करती हैं, जिनके अंदर काफ़ी सिमिलर साउंड है, वो कपलेट कहलाती हैं। एग्जैक्टली, सो करेक्ट। नंबर टू, देयर इज़ नो कन्वीनियंट वे ऑफ सेटिंग आउट अ पैटर्न ऑफ राइम। गलत है, आपको पता है राइमिंग स्कीम के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न सेट कर दिया गया है, जो हमने इसकी जो जब एक्सप्लेन किया है, मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, तो उसमें आपको करके भी दिया था और सारी फॉर्म्स में हम करेंगे, तो ये गलत है। नंबर थ्री, इमेजरी इज़ द यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड आइडियाज। इमेजरी करेक्ट, इमेजरी जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज है, जिसको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बताते हैं, उनके बारे में बयान करते हैं, एक्शंस बताते हैं कि कोई किसी ऑब्जेक्ट ने कोई एक्शन किस तरह किया, या फिर कोई आइडियाज़ को बयान करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। इमेजरी वही फिगर ऑफ स्पीच है जिसके ज़रिए हम इन सारी चीज़ों को बताते हैं राइटिंग के अंदर। ऑलराइट, नंबर फोर, यूजुअली अ सोनेट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 14 लाइंस हैविंग सर्टेन राइमिंग स्कीम। परफेक्टली ऑलराइट, 14 लाइंस की फॉर्म है, एक सेट, एक स्पेसिफिक राइमिंग पैटर्न के साथ। फाइव, बैलेड इज एक्सप्रेस्ड फॉर सोरो, ग्रीफ और डेथ। ये गलत है बेटे, बैलेड तो काइंड ऑफ पोम इन विच स्टोरी मूव्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ नरेटिव। शायरी के अंदर कहानी की सूरत में लिखी गई नज़म बैलेड होती है, जबकि इन्होंने क्या कहा है, जिसमें सोरो हो, जिसमें ग्रीफ हो और जिसमें डेथ हो, वो तो मर्सिया होता है बेटे उर्दू में, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, एलिजी। Alright, number six, a metaphor states explicitly that one thing is like another. नहीं बेटे, एक इसमें metaphor में पता नहीं चलता, तो ये गलत option है। जैसे metaphor क्या है, her hair is silk, तो क्या पता कि क्या कौन सी figure of speech यूज हुई, she is an early bird, नहीं पता चलता ना, ambiguous है, not clear. Alright, number four exercise, इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपने यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। टू एंटर द फर्स्ट वन, टू एंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन, थॉट्स के अंदर एंटर होना पर्सोनिफिकेशन, कोई लिविंग थिंग का काम नहीं है, नॉन लिविंग है सारी चीज़, सारा फिनोमिना है इनफैक्ट, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटीज दे देते हैं, देन इट इज़ पर्सोनिफिकेशन, टू एंटर, दाखिल होना। यू गॉट इट। नंबर टू, दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स, बोलते तो वो प्रीचर की तरह हैं, जैसे रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, उनकी तरह मजहबी तबलीग करने वाले बंदे की तरह, लेकिन उनका जो काम है वो शैतानों जैसा है, ये सिमिली है। ऑलराइट, दिस इज़ व्हाट हैपनिंग नाउअडेज अनफॉर्चुनेटली। एनीवेज, नंबर थ्री, हाउ कुड ही बी अ किंग, अ सोल्जर एंड अ पियोन, एंटीक्लाइमेक्स, किंग, सोल्जर एंड देन बिल्कुल डिक्लाइन, पियोन, एंटीक्लाइमेक्स, इसको डिफाइन भी कर दूंगी एंड पे आपके लिए, ये बुक में शामिल नहीं है ये फिगर ऑफ स्पीच। नंबर फोर, हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड, व्हिच साउंड इज कैन बी रिपीटेड, ह साउंड, एलिट्रेशन इट इज कॉल्ड, जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो एक सेंटेंस के अंदर, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ऑलराइट, नंबर फाइव, व्हाट विल मी ऑल माय किंगडम्स, hyperbole, simple exaggeration की example, मुबालगा आराई की, hasten slowly, hasten two different words together, slowly, oxymoron की example, जैसे daringly covered,
oxymoron. Number 7. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Antithesis. कैसे पहचानेंगे आप और एंटीथेसिस क्या है ये मैं आपके लिए बाद में एक्सप्लेन करूंगी. लाइफ इज़ अ ड्रीम मेटाफर. सिंपली मेटाफर. लाइफ इज़ अ ड्रीम. अगर आपको अभी समझाने का टाइम नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, आप फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया. नंबर 9. शी वॉज एज प्राउड एज अ पीकॉक. सिमिली. एज प्राउड एज पीकॉक. सिमिली है बेटे. नंबर 10. मोर हेस्ट लेस स्पीड. देखने में बहुत जल्दी में चाहिए लेकिन स्पीड अपनी कम है. पैराडॉक्स अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए. और नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटे एक्सरसाइज 5. इसमें क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस. पहचानना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें इस्तेमाल हुआ है. द फर्स्ट वन, ही इज़ एज सोबर एज जज. सिमिली. एज सोबर एज जज. ऑलराइट, सिमिली. देन सेकेंड, शी वॉज अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ इन देयर ट्रबल. मुश्किल टाइम में वो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ी थी या खड़ा था. नंबर 2 सेंटेंस. सो मेटाफर, पावर ऑफ स्ट्रेंथ, टावर ऑफ स्ट्रेंथ, आई एम सॉरी, डायरेक्टली उसको कह दिया. सो मेटाफर है. नंबर 3, नेसेसिटी नोज नो लॉ. नेसेसिटी कोई जानदार चीज़ नहीं है जिसको कानून का पता होगा. सो सिंपली पर्सोनिफिकेशन. नंबर 4, ही इज़ द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल. वाइजेस्ट एंड देन फूल, टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज टुगेदर. दो मुतजाद अल्फाज एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल किए. किसके एग्जाम्पल है, ऑक्सीमोरॉन. द 5th वन, द प्रोफेसर्स आइडियाज़ आर एज ओल्ड एज द हिल्स. इतने पुराने जितने हिल्स. बेटे ये सिमिली भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिमिली का ऑप्शन बस एक है तो इस सेकेंड ऑप्शन हाइपरबली, एग्जैजरेशन, मुबालगा आराई का. नंबर 6, द फायर स्टेशन बर्न डाउन लास्ट नाइट. फायर स्टेशन तो का काम तो आग बुझाना नहीं है, तो वो खुद ही जल गया, उसको आग लगी. आयरनी. अगर आपको नहीं समझ में आया बेटे तो फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाएंगे. Alright. Now let's see some biographical notes. देखते हैं William Wordsworth के. He was born 1770 में and died in 1850 में. Right? तो वो देखो बेटे, Lake District में of England he was born here at this place. इसलिए बच्चे आपके जो बायोग्राफी होती है ना और टाइम पीरियड होता है राइटर का या फिर पोइट का, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको उनकी शायरी की या नॉवल की या फिक्शन की, ड्रामा, जो भी उन्होंने लिखा उसकी समझ आ सके. क्योंकि जो सारे ये राइटर्स होते हैं ना बेटे, शायर होते हैं, ये सारे अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत लिखते हैं, टाइम पीरियड से बहुत लिखते हैं. जो वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, उसी के बारे में लिखते हैं. और इसके तो ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग है. वो लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था ना, जहाँ गाँव का माहौल होता है और बहुत ग्रीनरी होती है, तो उस तरह के एनवायरनमेंट में ने बहुत इम्पैक्ट था, डीप इम्पैक्ट था उसके जहन के ऊपर, बहुत गहरा असर डाला. वो सारी ज़िंदगी उसी को याद करता रहा. नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है जिस वक्त आप अपने पास्ट में जाके पुरानी चीज़ों के बारे में याद करते हैं उनको ना. द लव फॉर योर ओल्ड गुड डेज, आई मीन इट्स नॉस्टैल्जिया. तो वो ये सारी ज़िंदगी नॉस्टैल्जिया फील करता रहा. ऑलराइट, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ही स्पेंट अ ईयर इन फ्रांस और वॉज पैशनेटली इन सिंपथी विद रिवोल्यूशनरीज. ये रिवोल्यूशनरीज, ये क्या था बेटे, ये जब फ्रांस में गया था ना तो वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो अपनी पीक पर था उस वक्त, तो इसने उसको एक्सपीरियंस किया और उसका इम्पैक्ट हुआ बहुत इसकी शख्सियत पे और इसकी राइटिंग्स पे. देन ये नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, एन इवनिंग वॉक एंड लिरिकल बैलेट्स. ये लिरिकल बैलेट्स की ये डेट भी याद रखिएगा, ये MCQs में से ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आता है. ये तीन उसके लिटरेरी वर्क्स हैं. डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखे उसने और इवनिंग वॉक लिखी और ये लिरिकल बैलेट्स जो है ये एक ऐसी बुक थी जो दो लोगों ने मिलकर लिखी थी. ये इसका फ्रेंड है कॉलरिज, T.S. कॉलरिज, समीर टेलर कॉलरिज भी इसको कहते हैं. इसके अपने बहुत बहुत फेमस वर्क्स हैं इसके, जिसमें द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर भी है. एनीवेज, तो ये इस किताब में लिरिकल बैलेट्स में इसके ज़्यादातर पोम्स हैं और ये जो बुक है लिरिकल बैलेट्स, लैंड मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये यहीं पे लिखा हुआ है. ऑलराइट, फिर उसके बाद ये पोइट भी था और क्रिटिक भी था, ये बात याद रखिएगा. क्रिटिक जो एनालिसिस करता है लिटरेचर का. ऑलराइट, फिर प्लेन लैंग्वेज ऑफ कॉमन स्पीच वॉज अ फिट मीडियम फॉर पोइट. बेटे ये चीज़ है जिसने एक नया ट्रेंड सेट किया और जो क्लासिकल ट्रेंड था उसको
उसको तोड़ा इन्होंने, ये जो रोमांटिक पोइट्स थे ना इनसे पहले बेटे, वो एक जो था ना वो सोफिस्टिकेटेड पोइट्री कंपोज की जाती थी, और वो जो थी पोइट्री जो थी वो वॉज द प्योरली द वर्क ऑफ यू नो इंटेलेक्चुअल पीपल, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत हाईली लैंग्वेज, फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल करके वो शायरी करते थे। तो इसने कहा शायरी जो है इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट, नॉट फ्रॉम द माइंड। तो जो मीडियम है शायरी के लिए इट शुड बी वेरी सिंपल, इट द लैंग्वेज शुड बी रस्टिक एंड द सब्जेक्ट ऑल्सो, जो देहाती ज़िंदगी है, गांव की रूरल लाइफ है, कंट्री साइड की लाइफ है, उसको सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए शायरी का। तो सादा लोगों की ज़ुबान को इस्तेमाल किया जाना चाहिए आपके शायरी के अंदर, तो फिर वो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वरना तो आप अल्फाज ही ढूंढते रहेंगे शायरी करने के लिए, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या लिखें। तो फिर उसने कहा ये चीज़ें जो सादगी है ना, सादगी ये आपको नेचर के करीब ले जाती है, और उसमें फिर आपको कुदरत में अल्लाह की यू नो उसका जो वजूद है वो ज़ाहिर होने लगता है, तो आप बहुत ज़्यादा नेचर के करीब महसूस करते हैं अपने आप को। बेटे अगर आपको मौका मिले शेक्सपियर के प्लेस पढ़ने का, तो आपको उसमें ये चीज़ फील होगी। शेक्सपियर ने जितने भी प्लेस लिखे हैं, मैकबेथ जनरल के बारे में, उथैलो एक प्रिंस था, हैमलेट अगेन प्रिंस, मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत बड़ा वो आई मीन के ट्रेडर, आप जितने भी उसके प्लेस देखें ना वो सारे रॉयल लाइफ के बारे में, बादशाहों के बारे में, शहजादे शहजादियाँ, कॉमन मैन उसका सब्जेक्ट नहीं था। इसीलिए लैंग्वेज भी आप देखिएगा मुश्किल है, हम जो प्लेस पढ़ते हैं वो पायरेटेड प्लेस हैं उसके, अगर आप पुराने पढ़ना चाहें ना, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना चाहें तो कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो इसने उस जो ट्रेंड था उसको तोड़ा, इसने कहा शायरी तो दिल की यू नो जज्बात हैं, तो जज्बात को सादा ज़ुबान में उसका इजहार होना चाहिए ताकि आम लोग उसको पढ़ सकें। इसलिए ये ट्रेंड सेटर था रोमांटिक मूवमेंट का, यही रोमांटिक मूवमेंट थी, लव फॉर द नेचर राइट इन ईजी लैंग्वेज फॉर एवरी वन, फॉर कॉमन पीपल, दिस वॉज कॉल्ड रोमांटिकिज्म, रोमांटिक मूवमेंट भी यही थी। ऑलराइट दैट्स इट। एक क्वेश्चन जो है बेटे ये यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ पोम इज इट, एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई योर आंसर, आपने बताना है कि ये पोम कौन सी है, और फिर जस्टिफाई करना है कि अगर आप कहते हैं ना कि ये 14 लाइंस की पोम है तो उसके सारे पैरामीटर्स को आपने बताना है कि हाँ इसमें हैं, हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर एंड व्हाट दे आर कॉल्ड एंड राइट डाउन द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। ये राइमिंग स्कीम मैं आपको यहीं से करवा देती हूँ पिछली वीडियो में, जो इसको जहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा बस रिवाइज करूँगी। देखो जो एंड के लफ्ज़ है ना, जहाँ पे जैसे ये फेयर है, फेयर के साथ कौन सा और सेम यू नो सिमिलर साउंड है, फेयर वेयर बेयर, इनको एयर, इनको आपने ए के साथ मार्क किया। जो नेक्स्ट राइमिंग वर्ड है वो क्या है, साउंड बाय मैजेस्टे एंड देन यू नो बेयर लाए एंड स्काई, सेम साउंड है ना, उसको बी से मार्क कर दिया। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में स्टीप डीप स्लीप, सेम साउंड है, सी से मार्क कर दें। नेक्स्ट सेम साउंड कौन सी है, हिल विल स्टिल, उसको डी से मार्क कर दें। तो राइमिंग स्कीम क्या बनेगी इसकी, यहाँ पर बेटे ए बी बी ए बी बी ए राइट, ये है राइमिंग स्कीम, देन ए बी बी ए, और नेक्स्ट पर उसकी स्टेंजा की सी डी सी डी सी डी, दैट्स इट। ये फर्स्ट स्टेंजा जो है एट लाइन्स का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ कॉल्ड ऑक्टव। द सेकेंड स्टेंजा सिक्स लाइन्स का, इट इज़ कॉल्ड सेस्टेट। इसके बीच में ऑक्टव के बीच में एक और थॉट है, कुछ और सोच रहा था, उसके बाद उसने अपनी सोच को बदल लिया। तो ये जो उसके सोच को बदलना है ना, वो फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ के बीच में, इट इज़ कॉल्ड वॉल्टा, वॉल्टा वी ओ एल टी ए। बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन के आंसर में मिल जाएंगी। इधर क्वेश्चन ऊपर सेम है, व्हाट टाइप ऑफ पोम इज इट एंड एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई योर आंसर, क्या है। Upon the Westminster Bridge is an Italian sonnet, consists of 14 lines. ठीक, it is divided into two sections. First section with 8 lines is called octave and should present a question or problem. ये इसकी खूबी है, ये जो इटालियन सोनेट है ना, पैट्रिकियन सोनेट भी कहते हैं इसके जो फर्स्ट स्टैंजा होते हैं जिसको हम ऑक्टिव कहते हैं, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, सेकेंड में फिर उसका हल होता है। सेकेंड सेक्शन विद सिक्स लाइन्स इज कॉल्ड सेस्टेट, शुड प्रेजेंट एन आंसर और सोल्यूशन। वॉल्टा इज अ टर्न ऑफ थॉट और आर्ग्यूमेंट एंड एज इन इटालियन और पैट्रिकियन सोनेट, इट अकर्स बिटवीन द ऑक्टव एंड सेस्टेट। ये मैंने आपको ऊपर बता भी दिया।
अब देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है ऑक्टिव के अंदर. क्वेश्चन इन ऑक्टिव है द सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वेयर ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर. उसने ये कहा नाउ. नाउ इज इम्पॉर्टेंट. नाउ का मतलब है ये मोमेंट्री है, फॉर द टाइम बीइंग है, टेम्पोररी है. ये जो शहर ने लिबास पहना हुआ है ना, ये रहने वाला नहीं है. वो किस चीज़ का लिबास था बेटे? खामोशी का, सुकून का, कामनेस, सरीन पीस, यू नो, प्रिवेलिंग एवरीवेयर. हर तरफ सुकून और सुकून था, है ना. तो उसने कहा कोई वो धुआं नहीं है और कोई शोर नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये आरजी है, ये ख़त्म हो जाएगा. क्यों, कैसे? जब लोग जाग जाएंगे तो शहर जाग जाएगा, फिर सारी ह्यूमन एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. ऑलराइट, ये क्वेश्चन था. कॉन्फ्लिक्ट है असल में, ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड नेचर. उसको लगा कि नेचर और ह्यूमन लाइफ के बीच में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी का, ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं. ह्यूमन एक्टिविटी विल ब्रेक द स्पेल ऑफ पीस, काम, ट्रैंक्विलिटी. जैसे ही इंसान उठेंगे और वो अपनी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे, तो ये जो जादू है ना खामोशी का और सुकून का, ये इसका सहर टूट जाएगा. ये था प्रॉब्लम, राइट. अब इसका आंसर क्या है? आंसर इन सेस्टेट जो 6 लाइन्स हैं उसमें क्या बताया उसने? उसने कहा डियर गॉड, द वेरी हाउसेज सीम अस्लीप एंड द माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल. अब देखो बेटे, इसमें उसने कहा अल्लाह से, उसने एक तरह का यू नो काइंड ऑफ एड्रेस कह लो या फीलिंग कह लो उसके अंदर आई, और उसने ये कहा कि ये हमेशा यू नो वेरी हाउसेज सीम अस्लीप. उसने कहा कि सारा शहर सोया हुआ है, हाउसेज से मुराद लोग हैं ना, एंड दैट माइटी हार्ट. ये माइटी हार्ट उसने लंदन को कहा है. उसने कहा शहर सोया, आपको पता है ना हार्ट किस चीज़ की अलामत है? ज़िंदगी की. तो उसने कहा ये ज़िंदगी नहीं है, अगर शहर सोया हुआ है ना, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही, तो ये ज़िंदगी नहीं है. आपको पता है ज़िंदगी मूवमेंट के साथ चलती है. तो ये उसका आंसर है. और उसने कहा इसी ज़िंदगी के साथ, इसी शहर की रौनकों के साथ दुनिया का कारोबार चलता है. तो ये उसका सोल्यूशन था प्रॉब्लम का. फिर उसने ये खुद ही कह दिया कि नहीं, यू नो ह्यूमन के बीच में और ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच में और नेचर के बीच में कंप्लीट हार्मनी है. ऑलराइट, विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी हार्ट इज़ डेड. कंप्लीट हार्मनी है. उसने कहा हार्ट लंदन डेड है, लंदन सोया हुआ है, तो इसके लाइफलेस है ना. ये उठेगा, ये जागेगा, लोग अपना कारोबार शुरू करेंगे, तो फिर ये ज़िंदा हो जाएगा. तो ये उसका सोल्यूशन था या उसका प्रॉब्लम था. अब देखो बेटे, राइम क्या होती है? फूड सॉल्युबल एंड मीटर क्या होता है? राइमिंग स्कीम की ये डेफिनेशन है राइम की. इट इज़ द सेम साउंड एट द एंड ऑफ पोएटिक लाइन्स. पोएटिक लाइन के एंड पे जो सेम साउंड कन्वे होती है, जो इसको उर्दू में काफ़ियाँ कहते हैं, ये है राइमिंग स्कीम. ठीक है, अब मीटर क्या होता है? बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड्स और लाइन. बेसिक रिदमिक, जिसके साथ रिदम बनता है, जिसके साथ वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है ना, वो अपना म्यूज़िक कंपोज करता है, वो मीटर है. आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? पेंटामीटर अ लाइन और वर्ड्स विद 5 मेट्रिकल फीट, ईच कंसिस्ट ऑफ 1 शॉर्ट सिलेबल बाय 1 लॉन्ग, फॉलोड बाय 1 लॉन्ग सिलेबल. 5 मेट्रिकल फीट है. ये मेट्रिकल फीट क्या होता है बेटे? ये मैंने आपके लिए लिखा. ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, ये 5 मेट्रिकल फीट है. और इसके अंदर एक शॉर्ट वॉल है, ये वाला जिसको टिक किया है, ये शॉर्ट वॉल है, ये लॉन्ग है, इसको लॉन्ग प्रोनाउंस करना है. फॉलोड बाय सिलेबल, सॉरी सिलेबल. सिलेबल अभी बताती हूँ कि क्या है. आयम्बिक पेंटामीटर क्या है? अ लाइन और ऑफ वर्ड्स, ये वाली, ये आयम्बिक पेंटामीटर की एग्जांपल दे रही हूँ आपको. अ लाइन और वर्ड्स विद 5 मेट्रिकल फीट, ईच कंसिस्ट ऑफ, ये मेट्रिकल फीट है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, ये नंबरिंग की हुई है ना, ये सारे मेट्रिकल फीट हैं. ऑलराइट, मेट्रिकल फीट, ईच कंसिस्ट ऑफ 1 शॉर्ट सिलेबल, इसमें एक छोटा सिलेबल है और एक बड़ा है, फॉलोड बाय 1 लॉन्ग सिलेबल. अब सिलेबल क्या होते हैं बेटे? अ यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन हैविंग 1 वॉल साउंड, हैविंग 1 वॉल साउंड. जैसे आपकी एक वो है ना, इसके अंदर ही पोम है, इस बुक के अंदर ही, ओज़िमेंडियस है ना. अब इसमें 5 सिलेबल हैं, जो शैले हैं उसने इसके 4 बनाए हैं. लुक, ओ जी मैन डी उस, इसको कैसे पहचानना है? मैंने काउंट करके बता दी ना आपको, 5 हैं. आप अपना ये जो है, यू नो, पुट योर थंब अंडर योर चिन, देन काउंट द मूवमेंट.
कितनी दफ़ा आपकी चिन मूव करती है। अब अपना अंगूठा अपनी ठोड़ी के नीचे रखिए और जितनी दफ़ा मूव करे आपकी ठोड़ी उतने ही उसके अंदर सिलेबल होंगे, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट साउंड है। ऑलराइट, देखो ओ जी मैन डी इस 5 times। अब इस लाइन को देखिए, नर सॉ, नर शॉर्ट शॉर्ट है ना, तो उसको आपने हल्का प्रोनाउंस करना है, सॉ लॉन्ग वॉल, आई नर और फाल्ट अ काम सो डीप, ये लॉन्ग वॉल है बेटे, ये जिसके अंदर मैंने ये मार किया, ये क्या है लॉन्ग वॉल्स, दूसरे शॉर्ट वॉल्स हैं, नर सॉ आई नर फेल्ट अ काम सो डीप, इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ आई एम बिंग पेंटामीटर, जैसे डिडम 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 डिडम, सिर्फ म्यूजिकल पैटर्न है, दिस इज कॉल्ड iambic pentameter. Alright. उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच जो रह गए हैं, एंटीथेसिस क्या है बेटे, अ लिटरेरी डिवाइस दैट प्लेसेस ऑपोजिट वर्ड्स आइडियाज और क्वालिटीज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ दो डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करना बिल्कुल ऑपोजिट, इन पोएट्री फ्रेजेस और आइडियाज दैट कंट्रास्ट और हैव ऑपोजिट मीनिंग, शायरी के अंदर ऑपोजिट मीनिंग के दो आइडियाज को या फ्रेजेस को इस्तेमाल करना, जैसे स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं ना, स्पीच इज सिल्वर, बोलना अच्छी बात है लेकिन साइलेंस उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा प्रेशियस है, गोल्ड है। ऑलराइट, ये क्या किसकी एग्जाम्पल थी, एंटीथेसिस की, अब ऊपर से आप मैच कीजिएगा इसको। पैराडॉक्स क्या है, अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, कॉन्ट्राडिक्ट्री है, इसके अंदर ही तजाद है, अ स्टेटमेंट दैट सीम्स टू गो अगेंस्ट कॉमन सेंस, आपको लगेगा कि ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट है, मतलब ये बात होने वाली नहीं है, वो मे स्टिल बी ट्रू, लेकिन हो सकता है सही भी हो, आपको लगता है कि ये गलत है लेकिन हो सकता है वो सही हो। आई नो वन थिंग आई नो नथिंग, मुझे पता है कि सिर्फ मुझे एक चीज़ पता है, वो क्या, कि मुझे कुछ नहीं पता, बहुत फेमस लाइन है, पता है आपको, ये कोट है, पता है किसका है, ये उसका है जिसको हम फादर ऑफ ऑल नॉलेज कहते हैं, सोक्रेटिस, सुकरात, जिसने जहर का प्याला पिया था, ग्रीक फिलोसोफर, एनीवेज, देन आई एम नॉट लाइंग, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है ना झूठ की भी, लेकिन हो सकता है सही भी हो। ऑलराइट, एंटी क्लाइमेक्स क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंसिस्ट ऑफ यूजुअली सडन ट्रांजिशन इन डिस्कोर्स फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट आइडिया टू अ ट्रिवियल और ल्यूडिक्रस वन, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें पहले बहुत हाई चीज़ का जिक्र किया गया, उसके बाद बिल्कुल उसको डिक्लाइन की तरफ ले गया, बिल्कुल छोटी बात कहती, जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कह रहा है वो, इन मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस आई साइज अप द सिचुएशन इन अ फ्लैश, सेट माई टीथ, कॉन्ट्रैक्ट माई मसल्स, टेक अ फर्म ग्रिप ऑन माई सेल्फ एंड विदाउट अ ट्रेमर ऑलवेज डू द रॉन्ग थिंग, यानी इतनी तैयारी करता हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ मसल्स को, पूरी स्ट्रेंथ जमा करता हूँ, पूरी तैयारी करता हूँ, उसके बाद बगैर कांपे, बगैर हिले जुले, बड़े फर्म डिटर्मिनेशन के साथ गलत काम करता हूँ, यानी गलती कर बैठता हूँ, तो ये क्या है बेटे, एंटी क्लाइमेक्स के एग्जाम्पल है, यानी ऐसा काम कि आपने बहुत बड़ा, देखो सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन है, बहुत बड़ी चीज़ का जिक्र किया, उसके बाद धड़ाम से गिर गए, उसने कहा मैं क्राइसिस के बीच में ऐसे खड़ा हो जाता हूँ वन मैन की तरह, लेकिन फिर एंड पे करता क्या हूँ, गलत काम करके चला जाता हूँ। तो ये थी एग्जांपल ऑफ एंटी क्लाइमेक्स बेटे, सारी चीज़ें जो इसमें शामिल थी मैंने आपको करवा दी हैं एक्सरसाइज के अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जो आपके MCQs के लिए ज़रूरी हैं। नाउ वी हैव डन विद द पोएम सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। Till my next video, stay tuned, stay blessed. Allah Hafiz.